धनी नहीं है, उसका धनी अगर वो है तो शिक्षा है, अगर शिक्षित होता वो खुद धनी बन सकता है, ये बाबा साहब ने मंत्र दिया था। पढ़े लिखे इस देश में बहुत बड़े विद्वान बड़े, हिंदुस्तान के अंदर संविधान की स्थापना की, उस संविधान के अनुरूप लोकतंत्र की स्थापना हुई और लोकतंत्र का ऐसा प्रारूप खड़ा किया इस देश के अंदर, आज पूरी दुनिया उनको सलाम करती है, उनको नमस्कार करती है। मुझे गर्व होता है कि मैंने भी इस भारत देश में जन्म लिया जहां बाबा साहब ने जन्म लिया। अरे भाई, अपन तो उनकी जयंती मनाते हैं या उनका समारोह मनाने पर फर्ज और धर्म बनता है, आज पूरे दुनिया के अंदर चाहे अमेरिका हो, चाहे इंग्लैंड हो, चाहे जापान हो, बाबा साहब के नाम के मेले लगते हैं, बाबा साहब के नाम की पूजा होती है। मुझे बड़ी खुशी हुई कि मेरे विधानसभा क्षेत्र में बालेश्वर कस्बे के अंदर आज रैली नहीं रेला था, बाबा साहब के नाम का मेला था। जवान नाच रहे थे, युवा साथियों में जज्बा था, बाबा साहब की उनके दिल में भक्ति थी और बड़ी खुशी हुई कि 36 गांव के लोगों ने, चाहे सरपंच कोई हो, चाहे प्रधान प्रतिनिधि बालेश्वर हो, चाहे राणा प्रताप सिंह हो, चाहे जनाराम साका हो, सबने मिलकर के आज इस रैली का जो स्वागत किया है, ये पूरे देश के अंदर संदेश जाता है कि अगर कोई देश के अंदर ऐसा कोई विधानसभा क्षेत्र है उसका नाम खेलगढ़ है। बुजुर्गों और साथियों, मानव जीवन बड़ा मुश्किल मिलता है। लोग कहते हैं और भजनों में भी कहा गया है कि 84,000 योनि के बाद में मानव जीवन मिलता है, और मानव जीवन मिलने के बाद में जब आपके हाथ में काम आती है, आप किसी गद्दी पे बैठते हो तो आपको विचार करना चाहिए कि मैं किस कुर्सी पे बैठा हूं और मैं किसका क्या भला कर सकता हूं। ऐसे भी लोग इस देश में पैदा हुए हैं, राजनीति करते हैं, वोट लेते हैं, पर जब मौका आता है उनका तो विधानसभा में उनकी अंदर खिलाफत करते हैं।